चंद्रमा मनुषो जाता चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत ओम हस्त प्रक्षाल्य हाथ। भगवान के लिए कुछ भोग लगाने के लिए ना है एक फल लाए थे हाथ में चल लीजिए खोल लीजिए जल लो ऐसा मान रखो और उसमें रुपया डालो और माँ भगवती से प्रार्थना करो ओम महा महागौरी महाकालिका तीज समय अखंड सौभाग्य हेतु श्रृंगार वेदिका दानम अहम करिष्ये ये सब सामान वहाँ पे माता जी की पीठ में सब वैसे प्रकट ही रखो पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी बदनाभ्य वृंद सूर्याय दक्षाधुररासिकाय श्रीनीलकंठाय बृहद्वजाय तस्मै शेखराय नमः शिवाय वशिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय शंकराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंडार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय ओम वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंडार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय भगवान में कुछ द्रव्य चढ़ा ओम हिरण्य गर्भ से हेम बीज विभाव से अनंत कुंड बल का शांति वृक्ष में और माता जी को एक रुपये चढ़ाएंगी तो कैसे हाँ एक दो रुपये थोड़ी तो लगता है आज गर्भ से हेम बीज विभाव से अनंत कुंड बल का शांति वृक्ष में एक रुपया इसमें भी प्रदर्शन रखो सौभाग्य में बगैर दक्षिणा के नहीं रखते ओम मंदार मालां कुलताल कायै कपाल मालांकित कंदरायै दिव्यांबरायै च दिगंबरायै शिवाय। ये व्रत कब चालू हुआ था जब भगवान शिव जी दोबारा सती के बाद पार्वती जी के साथ विवाह होता है उसके पहले से व्रत चालू है। राजा हिमांचल हिमांचल मतलब हिम माने पहाड़ पहाड़ की पुत्री है कहीं गौरी पार्वती जी तो नारद जी जब इनका जन्म हुआ तो नारद जी हाथ देखा और बताया कि इनका पति तो भाई अवधूत होगा अब उनको पूरा बताया फिर उन्होंने संकल्प किया कि मैं उधर शिव जी ने यह प्रण किया था कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। जब उनकी सती जी खत्म हुई यज्ञ में दक्ष प्रजापति के यहाँ तो उन्होंने प्रण किया मैं शादी नहीं करूँगा। उधर एक तारकासुर नाम का राक्षस था जो उत्पात किए था उसकी मृत्यु किसके हाथ थी उनके ज्येष्ठ पुत्र स्कंद जिनके छह मूल है ना वो स्कंद भगवान कहते हैं खड़मुख भी कहते हैं उनको ठीक है उनके द्वारा उनकी मृत्यु। अब जब शादी होगी तभी तो संतान होगी अब इधर नारद जी ने उनको बता दिया तो उन्होंने पार्वती जी ने यह प्रण किया ये कुंवारे में रखा जाता है व्रत सबसे स्टार्टिंग है इसकी ठीक है तो पार्वती जी ने इस व्रत को करती हैं वही कथा आज परंपरा है चली आ रही है। और जब शादी हो जाती है उसके बाद पत्नी देखो पत्नी जितने व्रत रखती है अपने बच्चे और पति के लिए रखती है अपने लिए नहीं रखती
ये सदैव ध्यान देना चाहिए। जिस घर में स्त्रियों की इज्जत नहीं है उसमें देव नहीं रमते, देव नहीं रमते तो लक्ष्मी नहीं रहती, आदमी परेशान रहता। इसलिए जिस घर में इज्जत है औरतों की, बड़े बड़े घरों में देखो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सब अपना अपना काम करते, टाइम से खाना बनाता। छोटे छोटे घरों में क्या थोड़ी थोड़ी सी बात को लेकर लड़ते रहते, इसीलिए दुखी रहते। इसलिए कभी भी पत्नी अपना पूरा परिवार छोड़ करके आपके साथ आती है, पूरा परिवार छोड़ के आती है। बीच में आपको बोला जाए कि आप अपना पूरा घर छोड़ के चले आओ तो आपको जमेगा नहीं। पर नारी ऐसी होती है कि चाहे सौ को मतलब मुजफ्फरपुर नगर से यहाँ यहाँ बम्बई में रहने लगे तो यहाँ भी आपके साथ अपने पूरा परिवार माँ बाप भाई छोड़ के सब आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनकी केयर करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, तो उससे आदमी सुखी रहता है। तो अब सुनिए, कहते हैं कि इस व्रत के महात्म्य की कथा। भगवान शिव ने पार्वती जी को अपने पूर्व जन्म का स्मरण कराया। पूर्व जन्म का मतलब होता है पहला जन्म, जैसे हमारा ये भी जन्म है, इसके पहले वाला जन्म। तो स्मरण करवाने के मकसद से इस प्रकार से कही कि हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुख हो करके घोर तप किया। अधोमुख का मतलब होता उल्टा, पैर ऊपर और सर नीचे, शिव जी की तपस्या किया पार्वती जी। रामायण में भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि करय जाय तपसैल कुमारी, अभाभी मेट सकई थी पुरारी। भाभी का मतलब क्या होता है, आज की डेट में भाभी है इसीलिए भाभी, भाभी का मतलब दुख देना, मतलब कष्ट आना, उसे भाभी कहते हैं। तो कहते हैं तुलसीदास जी की भाभी मेट सकई थी पुरारी, यानी शिव जी कष्ट को मेटने वाले, भाभी को मेटने वाले। यदि अचानक बाढ़ आ जाए तो आदमी क्या कहता है, ए वहाँ भाभी आ गई अचानक। और आज की डेट में घर में घर घर में भाभी हैं, है ना। तो अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। तो पार्वती जी ने अधोमुख होकर के तपस्या किया। इस अवधि में तुमने अन्न न खा करके केवल हवा खा करके ही सेवन किया, ठीक है। और इतनी अवधि में तुमने सूखे